लड़का लगती हूँ हाँ सेलिवरी ग्लैंड पढ़ाया थे बकल कैविटी पढ़ाया था ठीक है सेलिवरी ग्लैंड बकल कैविटी के बाहर पड़े होते हैं हजार बार ये बात बताई थी फिर भी कोई ना कोई गलत करके आएगा उसके बाद हम लोग ईसो फिगर्स में आईसो फिगर्स में गए थे अरे हाँ हाँ गैस बंद कर दिया आग थोड़ी लगाऊंगी घर पे? करती है मम्मी एक पेड बंद कर दिया पटाखे गए मेरे घर पे हाँ भाई बक्कल गैडी कराई थी कोटी सर कराए थे ऑर्गन ऑफ कोटी पड़ा था कहा है पढ़ते नहीं यार तुम लोग तुम पढ़ते नहीं हो इनर इनर ईयर में होता है हाँ ठीक है ये टर्म्स हमने करा दी थी ये मेरा किचन सामने ओपन है, में के पढ़ा बड़ी पागल है। ओके हमने साहि का कर था। हमने पढ़े थे। में होते हैं अब हमने इसके अंदर एक चीज पढ़नी थी अच्छा वो मैं तुमको कराऊंगी चलो कोई ना मुझे यही चल एक बात बता दो टाइप के होते हैं ठीक है एक होते हैं एक्जोक्राइन ग्लैंड और एक होते क्या फर्क है

मिक्स है ये मिक्स ग्लैंड है ये बोथ एंडोक्राइन एंड एंडो एक्जोक्राइन है ये लिवर इज एक्जोक्राइन एंडोक्राइन एक्जो एक्जोक्राइन का बराबर दरवा बच्ची बोली लेकिन बोली हाँ याद रखना है ठीक है बर्गर बनाया था हमने वो क्या डाइजेस्ट करा दिया इसमें अभी तक कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट परसेंट प्रोटीन थर्टी परसेंट थर्टी पे कराया डाइजेस्ट

मैंने जो पूछा वो बता चल आप बच्चों का टू वन जीरो टू। हाँ, भी लिखना है ठीक है चलो अब क्या हुआ कि साहिल का हमने मुंह देख लिया था जो हमेशा सड़ा ही रहता है तो उसने खाना खाया खाना खाया वो गोलू सा बन गया अब जो वो गोला नीचे जा रहा है ऐसे हमारी से स्टमक तक ये जो आईसो से गोला जा रहा है इस गोले को क्या बुलाते हैं हम बोलर बोलस ठीक है अब चला गया इसोफेगस. अब इसोफेगस में ऐसे नहीं जाएगा तो जब तुम खाना खाते हो ना वो ट्रेन की तरह नहीं जाता धीरे 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 जाता है ठीक है तो धीरे धीरे नीचे जा रहा है तो इसो फेगर में कैसे जाएगा सीधी पाइप है अब मान लो मैं लेटेगी और मैं खाना खा रही रूँ लेट के खाना खाती हूँ तो खाना कहीं इकट्ठा हो जाएगा तो ग्रेविटी की वजह से तो खाना क्यों मूव करता है आइसो में क्योंकि जो आइसो है तुम्हारा वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो जो इसोफेगस होता है एक्चुअली वो ऐसे पाइप है वो एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे ऊपर का रीजन है पाइप है ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट किया नीचे का रिलैक्स है फिर नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट किया ऊपर का रिलैक्स है फिर नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट किया ऊपर का रिलैक्स है तो उसमें ऐसे ना ऐसे मूवमेंट चलती जाती है और रिलैक्सेशन का उसको हम बोलते हैं पेरिस्टेलिस ठीक है एक साइंटिफिक टर्म है इस पर क्वेश्चन आ जाता है तो टर्म का मतलब पता होना चाहिए पेरिस्टेल्सिस सिर्फ इस में नहीं होती है इट इज मूवमेंट ऑफ ऑफ इंटायर एलिमेंट्री कैनाल ठीक है तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती है मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल वो पूरे पैसे जाए ना तो उससे ही स्टमक भी बनाए तो स्टमक में भी ये मूवमेंट होती है इसमें थोड़े की तरह होती है है तो 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 करके मूवमेंट होगी ठीक पेट से आवाजें आती है ना ऐसे पेट आवाजें कर रहा होता है भूख लगती है ऐसा कुछ तो हाँ तो इज अ मूवमेंट जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती है तो में पेरिस्टेलिस की वजह से खाना नीचे की तरफ जाएगा अब स्टमक के पास लगा हुआ है दरवाजा इसको हम कहते हैं एक तरह से रबर बैंड तो ये जो होते हैं रबर बैंड जो कुछ ऑर्गन के साइड में लगे होते हैं इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्पिंचर देखो इन्हें हम वेल्व नहीं कहते वेल्व हमने पढ़ा था हार्ट में वेल्व होते हैं ढक्कन दरवाजे की तरह दरवाजा खुलेगा बंद होगा खुलेगा बंद होगा जो स्पिंचर होते हैं ना वो मसल की ही इसी तरीके से कॉन्स्ट्रक्शन होती है तो वो ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी मसल दरवाजा बंद हो गया ऐसे रिलैक्स हो जाएगी दरवाजा खुल जाएगा ठीक है तो स्पिंचर ऐसे होते हैं बल्कि वेल्व के ऊपर एक अलग से फ्लैप होता है खोलने और ओपन करने के लिए क्लियर

दिल के पास वाला रीजन है जो स्टमक का वहां पर जो स्पिंटर है वो कार्डिक स्प्रिंटर है खाना अंदर आएगा स्टमक में ये ये डिसाइड करेगा कि तो जैसे खाना आता है ये थोड़ा सा खुलता है खाना अंदर आता है फिर बंद हो जाता है फिर थोड़ा सा घुटता है फिर थोड़ा बंद हो जाता है ठीक है अब खाना स्टमक से बाहर निकलेगा डायजेस्ट होने के बाद इसको रेगुलेट करने के लिए भी एक स्पिंटर होता है ठीक है उसका नाम भी बताती हूँ मैं तो अब देखो जो स्टमक है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है तो देखो सबसे पास में जो है जब खाना एंटर होगा सबसे पहले ये जो बॉलस है बोले सबसे पहले जिस रीजन में कहेगा वो दिल के पास है तो हम उसका नाम देते हैं कार्डियक रीजन ठीक है तो ये वाला है कार्डियक ठीक है जो ऊपर पड़ा है ना ये वाला ये मस्ती से फन से पड़ा है तो इसको हम बुलाते हैं फंडिक अभी आगे अच्छे से फोटो है टेंशन ना लो तो फिर उसके बाद जो बीज का रीजन बनाता है इसको हम बोलते हैं स्टमक की भैया बॉडी है स्टमक की मैं तुम्हें नेमिंग बता दू हाँ ये सही और लास्ट में जो पड़ा है रीजन ये वाला बेटा इसको हम बुलाते हैं पैलोरिक तो बेटा जो स्पिंटर है पाइलोरिक के पास पड़ा है तो स्पिंटर का नाम क्या होगा पाइलोरिक स्पिंटर इतना तुक्का तो तुम भी मार सकते थे समझ में आई क्या बोला मैंने अभी नाम बोलने वाले थे। है? नहीं, नाम। नाम। नहीं अच्छा बोलने वाले थे देखो बड़ा कर गर गर्द स्टमक को रोक रहे हो बेटा ये है स्टमक मेरे को बताओ कार्डिक स्पिटर कहाँ लगाऊ चार्ड़ी दीजिन चार्ड़ी दीजिन के के तो क्वेश्चन पता क्या आता है इतना मैं तुमको कहते है, इस से जो है वो कहा इंटर करेगा फंडस में या कार्डियक में फंड तो बाद में करेगा पहले दिल पे लगेगी बात कार्डियक पे करेगा भाई पहले ठीक है तो ये पहला स्प्रिंटर है अपना और इसके बाद हमारा है ये दूसरा स्प्रिंटर पैलोरिक वाला ये यहाँ लगा है ये स्प्रिंटर है भूल मत जाना आगे फोटो भी दिखाएंगे हम तुम्हें ठीक है अब ये इसकी लेबलिंग है नाम पता होने चाहिए नाम जरूरी होते हैं ओके okay, अब जो स्टमक के अंदर जब भोजन नहीं होता तो वो पिचकुसा पड़ा रहता है जैसे उसका खाना आता है मोटू हो जाता है जैसे सब्सिडरी वो थे ना गार्ड सेल्स थे स्टोमेटा के पानी अंदर आया मोटू हो गया जैसे नहीं आया वो पिचक के बैठा है ये कुछ वैसे ही ऐसे बैठा रहता है अंदर से इसका जो सरफेस होता है वो स्मूथ नहीं होता उसमें ना थोड़े थोड़े उबर खाबड़ होते हैं ठीक है जिसे रूगे कहते हैं आगे बताएंगे अभी सोचो कि स्टमक अंदर से स्मूथ नहीं है उसमें उबर खाबड़ सा स्ट्रक्चर है ठीक है और स्ट्रक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है तो चलो बोलस को इसके अंदर लाते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं ये देखो ये है हमारे जो पहला स्पिंक्टर तुम देख रहे हो दिस इज अ कार्डियक कार्डियक कार्डियक्सिंट

हाँ, स्टमक बेटा ये है हमारी स्टमक तो ये, इसोफेगस। अब ये आ रही है इसको कोई ये समझ लेना। तुम्हारी दिखाई नहीं देगा रीजन कौन सा होगा, होगा। कार्डिय रीजन कौन सा होगा बेटा ई वाला फंडिक है ये वाला फन कर रहा है पिचका हुआ है या खुला हुआ एक्चुअली इसके अंदर खाना है इस टाइम ये पूरी की पूरी बॉडी है और ये वाला कौन सा रीजन है पायलोरिक

से दिखती की है, ना? इसका मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताने वाली लेकिन ये स्टमक के साथ है. तो एक बार आ गया था कि इंटेस्टाइन में विलय होता है और स्टमक में रूगे होता है तो भूलना मत ठीक है बहुत बढ़िया अब देखो इंसाइट स्टमक की बात करते हैं है। प्रेजेंटेशन पहले बनाई थी खुद भूल ऑर्डर में है तो स्टमक के अंदर तुमको म्यूकस की लेयर होती है जिसके पास पिट्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक पिट तो देखो ये रहा हमारा स्टमक ओहो बहुत ओ होगा ये हमारा स्टमक स्टमक के सेल्स है ये लाइनिंग है ना येलो वाली अब देखो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से माइक्रोस्कोप के अंदर तुमको दिखाती हूँ तो तुमको ना इसके अंदर कुछ ऐसे पिट्स दिखाई देंगे पिट्स एक कुएं की तरह होते हैं ठीक है दीगे? ऐसे पिट्स दिखाई देंगे तो यहाँ पे हर जगह पे तुमको पिट्स दिखाई देंगे स्टमक के अंदर ऐसा नहीं है यार सिर्फ लाइनिंग पे है ये पूरे स्टमक के अंदर तुमको ऐसे दिखेंगे पूरे स्टमक के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कुएं हैं ठीक है थीके? इनको हम बुलाते हैं गैस्ट्रिक पिट्स क्योंकि जब भी तुम वर्ड गैस्ट्रिक पड़ोगेड टू स्टमक ओके तो गैस्ट्रिक इज रिलेटेड टू स्टमक अभी जो पिस्ट होती है पिट्स होती है ना इसके अंदर पड़े होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड तो बेटे स्टमक के अंदर कुछ भी सिक्रीट करेगा उसी के ग्लैंड सिक्रीट करेंगे ना बाहर से थोड़ी भरेंगे सब कुछ तो बाहर से तो सिर्फ बोलस आया हमारा खाना आया खाने का गोला ठीक है अब इसके अंदर जितनी भी सिक्रीशन होनी है स्टमक के अंदर वो सारी इन गैस्ट्रिक ग्लैंड की वजह से होंगी तो लोकेशन पता चलेगी गैस्ट्रिक ग्लैंड की yes, तो, अब देखो ये जो पिट्स हैं इसके अंदर जो ये जो ऊपर की तरफ से रीजन दिख रहा है इसको हम कहते हैं नेक ठीक है नेक है इसके पास पड़े होते हैं म्यूकस नेक सेल्स यहाँ पर मैं सेल बना रही हूँ ध्यान से देखना ये मेरे म्यूकस नेक सेल नेक के पास पड़े इसलिए नेक सेल्स म्यूकस सीक्रेट करते हैं इसलिए म्यूकस सेल अब म्यूकस सीक्रेट करने वाले सेल्स को हम और किस नाम से जानते हैं गोब्लेट सेल्स गोब्लेट सेल्स गोब्लेट सेल यूनिसेल्यूलर होते हैं मल्टीसेल्यूलर यूनिसेल्यूलर ये यूनि सेल्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं तो सर्दी में नोधी आती है ना बेटा वो भी म्यूकस ही होता है अकेला सेल है देखो तो कितना तूफान बताता है और पूरी एलिमेंट्री ग्लैंड में भरा पड़ा है तुम्हारी बॉडी के हर एक ऑर्गन में गॉब्लेट सेल कहीं ना कहीं मिल जाता है तुम्हें इट्स इजेंशियल ये बताता है पैथोजन से पैथोजन को पकड़ लेता है ताकि फिर उसको ऊपर अटैक करा के उसे क्लीन करा सके तो गॉबलेट सेल पड़े हैं यहाँ पर ये पहले सेल पड़े हमने गैस्ट्रिक में याद रखना ऑर्डर में क्योंकि जो कन्फ्यूजन होती है इन्हीं में होती है और क्वेश्चन भी इन्हीं से आता है उसके बाद है हमने नीचे की तरफ जब देखे बिल्कुल पिट्स के पास पड़े हैं दो तरीके के सेल ठीक है साइज वाइज का को कोई नहीं पूछने वाला तुमसे एक सेल का नाम है चीफ सेल और दूसरे सेल्स का नाम है सेल. तो चीफ सेल कौन सा अच्छा मुझे बताओ कोई भी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन है वो किसके बिना नहीं हो सकता जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंजाइम है तो हम कहते हैं ना चीफ का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट तो चीफ सेल वो सेल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स है तो वो क्या करते हैं सारे एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं ठीक तो है, तो तो है तो चीफ सेल्स तोड़ेंगे अब, तो तो ने कर लिया. अब बाकी का मैकेनिकल ब्रेकडाउन होगा आगे भी लेकिन केमिकल ब्रेकडाउन जो होगा वो एंजाइम्स की वजह सेल्स एंजाइम यहां से याद करना अब अच्छी एंजाइम है को

तुम्हारी अच्छी होती है पता नहीं मेरी तो जहरीली होती थी तो मेरे को तो ऐसे याद है पेरिएटल पेराइटल सेल से मुझे पेरेंट्स याद है और उससे मुझे जहरीली पेरेंट टीचर मीटिंग याद है तो एच सी एल जहर की तरह ही है खाप के लिया तो निकल लोगे तो याद रखना सेल और पेरिएटल सेल सेम सेल्स का नाम है और ये एच सी एल सिक्रीट करती है ये नीट का क्वेश्चन है तो तुमसे पूछ लेगा चीफ सेल सिक्रीट कर रहा है ऑग्जेंटिक कर रहा है पेरिएटल कर रहा है तो याद रखना जो पेरेंट्स है बहुत ऑग्जेंटिक होते हैं पेरेंट टीचर के मीटिंग के बाद बहुत अलग अलग तरीके से मारते हैं ठीक है क्लियर यार अगर तुम्हारे पेरेंट्स पीछे बैठे हैं ना तो मुझे कभी कोई डर लगता मेरी है मेरी नौकरी ना चली जाए आओ अब ये देखो तो ये क्या चीज बनी है यहाँ पर बता सकता कोई बेटा रहने दे तू मत बता तू रहने दे और कोई बता क्या ये रु तेरे को हैं गैस्ट्रिक पिट्स है कुएं दिख रहे हैं ये कुएं तुझे रुगे होते हैं म्यूकस लेयर की अंदर की तरफ फोल्डिंग ऐसे रुगे उसका और कुछ नहीं पढ़ाने वाली मैं सिर्फ टर्म पढ़ाई थी कुएं हैं ये स्टमक के समझ आई रुगे ऑक्सेंटिक सेल कहाँ बनाऊ यहाँ बना दू यहाँ बनाऊ ठीक है अब देखो जो पीएच है स्टमक का वो होता है जनरली एसिडिक 1.8 से 2 के बीच में ठीक है एसिडिक पीएच होता है इसका तो जो बॉलेस आ रहा है अब उसकी पिटाई होगी एसिडिक पीएच में मुझे भाव बताओ अगर एसिडिक पीएच है तो स्टमक की लाइनिंग नहीं जल जाएगी ऐसा नहीं सोचेगी तो स्टमक की लाइनिंग ना जले इसलिए पिट्स में से कौन से सेल क्या सिक्रीट करे म्यूकस तो म्यूकस म्यूकसिक्लीट करते हैं म्यूकस इक्टिंग सेल्स ठीक है और वो पूरे स्टमक की लाइनिंग को कवर कर लेते हैं बहुत अच्छे इस से इस वजह से स्टमक की लाइनिंग पे एच काम नहीं कर पाता ओके तो म्यूकस का काम क्या हुआ उसका काम हुआ कि वो स्टमक की लाइनिंग को जलने से बचाए ठीक है अब एच का और क्या काम होता है एक तो एच का काम होता है बैक्टीरिया पैथोजन को मानना तो भी तुम खाना खा रहे हो साफ थोड़ी है कुछ ना कुछ पैथोजन होता है चाहे तुम जितना मर्जी क्लीन खाओ है ना तो पैथोजन जो भी खाने के साथ बोलेस के साथ मुंह में आ गया पेट तक पहुंच गया उसको ये किल कर देता है तो खाने पे लगा पैथोजन इससे किल होगा दूसरा काम क्या होता है ये एक्टिवेट करता है एंजाइम को तो कुछ एंजाइम्स है जिनको ये एक्टिवेट करेगा तो एंजाइम सेक्रेटिंग सेल्स कौन से होते हैं स्टमक में चीफ सेल चीफ तो सेल चीफ सेल चलो भाई अच्छे लोग चले जाओ तुमको बाहर की नहीं करता ऐसा नहीं है उसमें छेद है कि बाहर निकल के उसको भी कवर कर रहा है ऐसा मत करना रो दूंगी मैं ठीक है ऑग्जेंटिक सेल्स क्या करते हैं अब ऑग्जेंटिक सेल पे क्वेश्चन बनता है एक तो वो एच सी एल सिक्रीट करता है एच सी एल क्या करता पैथोजन यही बना लो छोटा सा चार्ट बहुत काम आएगा तुम्हारे और दूसरा काम क्या करता है एक्टिवेट एंजाइम कौन सा एंजाइम मैं बताती हूँ और दूसरा एक और चीज है सिक्रीट करता है जो बहुत ही साइड में शायद एनजेट में नहीं लिखा कासल इंट्रेंसिक फैक्टर ठीक है तो ये कासल इंटरेस्टिंग फैक्टर भी रिलीज करते हैं पढ़ेंगे इसके बारे में नेक्स्ट है चीफ सेल अब चीफ सेल को एक और नाम से जानते हैं पेप्टिक सेल अच्छा मुझे बात बताओ अगर हम बर्गर खा रहे थे तो मुझे बताओ बर्गर के साथ क्या पी होगा? पानी यस yes, मैम कोक सेल तू बहुत अजीब इंसान है भैया पानी के साथ पानी तो सिंसिले बिस्लेरी तो होगी ना साथ में अच्छा ये देख बिस्लेरी का पानी पीता है कौन है भाई तू यार बर्गर के साथ पानी कौन पीता पागल है क्या बर्गर का टेस्ट भी खराब पानी का टेस्ट भी खराब वेरी डिस्टर्बिंग किड्स बेटा बर्गर के साथ कोक ना कोई बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं पेप्सी ले लूं तो कोक नहीं मिल रही बाहर आज चलिए नहीं मैं माउंटेन ड्यू पी आ जाएगा माउंटेन ड्यू डू द ड्यू है माउंटेन से तो माउंटेन ड्यू अब आप पेप्सी पीएंगे हाँ भाई लगे <laughs> तो हम पियेंगे पेप्सी ठीक है तो याद रखना चीफ सेल का दूसरा नाम है पेप्टिक सेल क्योंकि वो रिलेट करते हैं तो ये जो पेप्सी वर्ड है ना पेप्सिनोजन जब तुम बर्गर खा रहे हो तो सबसे पहले जो उसके साथ पी रहे हो, स्टमक में में तो 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 जा रही है में तो नहीं जा तो है नहीं जाएगी पहले से ना और क्या और मैं पागल हूँ पागल हूं लेकिन स्टिल हो गया पेप्सी

काफी ज्यादा खराब है तुम्हारी ही है कहा बनाते? बनाते किडनी में कौन से होते हैं? नेफ्रौन। 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 नेफ्रौन में सिंगल एन वाला पढ़ते हो ठीक है वहां पे बताऊंगी एनजीओन सिस्टम में बताऊंगी राइट वहां पे मैं तुमसे डबल एन वाला पूछूंगी फिर मत बताना मुझे कहाँ पढ़ा है I अच्छा think है। pro -enzyme करेगा pro होगा। हाँ हाँ अभी आएगा आएगा, देती ले। हाँ नहीं सही बोल रहा तू गलत नहीं बोल रहा तू उसके बाद गैस्ट्रिक लाइपेसिस ऐसी लग गया यानी कि एंजाइम है ना तो गैस्ट्रिक मतलब से लाइपेसिस क्या ये एंजाइम किसको तोड़ते होंगे क्या लगता है डाइपेज सुन के क्या लगता है किसको तोड़ते होंगे प्रोटीन को फैट्स हाँ लिपिड एंड फैट हाँ राइट 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 ठीक है इतना क्लियर चलो आगे यस yes, मैम बहुत बढ़िया नो मैम नो मैं तो जा रही हूँ आगे आता रही हूं. तो एचसीएल क्या करता है पैथोजन को केल करता है अब ये देखो ये पेप्सिनोजन ये सिक्रेट होता है इनएक्टिव फॉर्म में पता है क्यों पेप्सिनोजन पेप्सिन सब सब पी वर्ड है ना तो पी से तुमको याद रखना है कौन प्रोटीन तो ये एंजाइम ना प्रोटीन की ब्रेकडाउन करेगा तो अभी तक मुंह में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन हुई वो पेट में आ गया अब पेट में प्रोटीन टूटेगा प्रोटीन क्या अपने चिकन पैटी खाई थी ना बर्गर में ना उसका प्रोटीन टूटेगा लेकिन प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए जो एंजाइम सिक्रीट होता है स्टमक में वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है क्योंकि अगर वो एक्टिव फॉर्म में होता तो वो स्टमक की वॉल को खाने लग जाता ठीक है और वैसे भी वो क्यों सी होगा एक्टिव फॉर्म में जब जरूरत होगी तभी एक्टिव होगा ऐसे वो सोएगा मस्त तो पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है ये लिख लेना इनएक्टिव इसको एक्टिव जो करता है वो करता है हमारा एच सी एल ऊपर से एच सी एल डाल दे एक्टिव तो होना ही पड़ेगा तो ये दूसरा काम है एक्सीएल का पेप्सिनोजिन इनको पेप्सिन में चेंज करता है और एफ ई थ्री पॉजिटिव आय ई टू पॉजिटिव में भी चेंज करता है एचसीएल इनका आगे बहुत रोल होता है यहां पर इतना समझ लो हमारी बॉडी एफ ई टू पॉजिटिव को ऑब्जॉर्व कर पाती है एफ ई थ्री को कर नहीं पाती है ठीक है ये इतना Yes, yes, अब आता है दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी कौन से सेल कर अरे रहे? मैं भूल गई और नाम है का? Cells. ये दो बोल के करते हैं अब आता है एक और चीज सीक्रेट करते हैं कासल इंट्रिक फैक्टर काल यार यहाँ पे

तो खाने में जो तो विटामिन बी ट्वेल्व है उसको जिसका दूसरा नाम है कासल फैक्टर उसको एबजॉर्ब करने, तो तो करने के लिए इंटरसिक फैक्टर चाहिए तो ये वाइटामिन बी ट्वेल्व को स्पेसिफिकली एब्जॉर्ब करने के काम आता है क्लियर ठीक है भाई पता नहीं यस मैम कहा से सीखे मैंने तो सिखाया नहीं तमीज ही नहीं आज के जनरेशन को बात करने की बड़ी ये ये मैं। बड़े मैं। बड़े बुजुर्गों की से बात करने की तमीज नहीं देखो इतने बड़े बुजुर्गों बुजुर्ग बिल्कुल सी ढक के पढ़ा रही हूँ मैं मैम क्या प्रीवियस लाइन के साथ तो समय लग जाएगा मुझे <laughs> मुझे लगा तो तुम्हें सब कुछ आता होगा मैं ऐसे ऐसे सब पढ़ा दूंगी दिल तोड़ दिया मैंने तेरी मेरे को हंसी बता दी तुम पे कभी कभी <laughs>

तो प्रोटियो प्रोटी मतलब प्रोटीन और लिटिक मतलब तोड़ दो राइट तोड़ दो तोड़ने वाला और प्रोटीएसिस प्रोटीएसिस भी तो एंजाइम को ही कहते हैं ना और अगर मैंने एसिस लगा दिया तो मतलब वो एंजाइम है और प्रोटी बोला सेंटर में मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है तो ये सारी टर्म एक से मिलती जुलती है तो ध्यान से लिख लेना इसे ठीक है अब पेप्सिन क्या करेगा प्रोटीन को तोड़ेगा प्रोटीन क्या होती है बहुत बड़ी चेन होती है अमीनो एसिड की उसको छोटी छोटी चेन ऑफ अमीनो एसिड में तोड़ देगा तो या तो उसको पेप्टोन्स बना देगा या वो उसको पैप्टाइट बना देगा फर्क सिर्फ नंबर ऑफ अमीनो एसिड का होता है तुम्हें इतना स्पेसिफिक याद करने की जरूरत नहीं है बस ये समझ लेना कि एक बहुत बड़ी प्रोटीन की चेन को उसने छोटी छोटी प्रोटीन की चेन में तोड़ दिया बिल्कुल अमीनो एसिड नहीं बना दिया अभी भी चेन है लेकिन थोड़ी छोटी है स्टमक में हुआ ये बात सही है नो ठीक है भाई। बेटा प्रोटीन क्या बर्गर में खाए थे वो पेट में चले गए स्टमक में अब क्या होगा उसके ऊपर पेप्सिन जाके लगेगा तो पेप्सिन क्या करता है ये चेन को तोड़ देता है छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है तो कैसे कैसे पार्ट्स में तोड़ देगा वो यहाँ बना देगा पेप्टोन्स छोटी सी प्रोटीन वाली चेन या पेप्टाइड छोटी तो 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 याद रहना कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जब सबसे पहले हुआ था कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहा स्टार्ट हुआ है माउथ में माउथ राइट right? और प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है माउथ में तो नहीं हुआ राइट लेकिन वो कहां पर हुआ है स्टमक में

मिठास होती है तो मिल्क की जो नेचुरल मिठास है जो हम भी दूध पीते हैं नॉर्मल दूध की बात कर रही हूँ मीठा मीठा जो उसमें शुगर होता है उसको हम कहते हैं लेकटोज और मिल्क का जो प्रोटीन होता है उसे हम कहते हैं कैसिन और भी प्रोटीन वगैरह होते हैं लेकिन मैं मेजर की बात कर रही हूँ तो कैसिन मेन प्रोटीन है मिल्क का और मेन शुगर जो है वो लेकटोज है तो पता क्या होता है बच्चों के अंदर बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होता सिंपल रखते हैं तो भगवान ने क्या सेटअप करा है कि कैसिन क्या होता है कैसिन जाता है जो मिल्क का क्या है शुगर सॉरी मिल्क का प्रोटीन क्या बोलो मिल्क का जो प्रोटीन है वो श्रमक के पास जाता है और वहाँ पे एक्ट करता है उसके ऊपर रेनिन। रेनिन नहीं, नहीं, नहीं थी तो रेनिन किया था सेल ने। सेल ने। सही बोल रही है ये? ये ये हाँ। ये। तो रेनिन क्या करता है बच्चों के केस में जो छोटे छोटे बेबीज है जो मुंह से दही बनाने की कलाकृति करते हैं उनके कैसिन को ब्रेक करके बनाता है पैरा कैसिन पैरा कैसिन के ऊपर फिर एक्ट करता है क्योंकि पैरा कैसिन इज नथिंग बट प्रोटीन देखो कैसिन इज अ मिल्क प्रोटीन ना तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए तो पेप्सिन ही आएगा लेकिन पेप्सिन ना डायरेक्टली उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाता स्टमक में तो स्टमक में क्या होता है प्रोटीन के डाइजेशन में जो स्पेसिफिकली मिल्क का प्रोटीन है कैसिन वो रेनिन की मदद से पैरा कैसिन में चेंज होता है फिर पैरा कैसिन के ऊपर पेप्सिन एक्ट करके उसको पेप्टोन्स बना देता है मतलब छोटी प्रोटीन के चेन बना देता है ठीक है तो ये होता है सिर्फ इन्फेंट के अंदर हमारे केस में नहीं होता हमारे केस में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वहां पर हमारा जो प्रोटीन का डाइजेशन है मेन वो होता है लेकिन बच्चों के केस में स्टमक में ही निपटा लेते हैं डन रेनिन का काम पता चल गया ये। यो यो मैम बहुत बढ़िया अब देखो तो मैं पीछे जाती हूँ अच्छा प्रोटीन स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन बोली और एक स्पेशल केस बताया हमने इन्फेंट तो यार लिख लेना स्पेशल केस इन्फेंट इसके अंदर मैंने रेनिन के बारे में पढ़ा यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है साहिल इसलिए मैंने करवाया नहीं था अब देखो थोड़ी सी देखो ये माइनर है ध्यान से देखना थोड़ा सा लिपिड डाइजेस्ट होता है लेकिन लिपिड को डाइजेस्ट होने के लिए पीएच थोड़ा डिफरेंट चाहिए ठीक है थोड़ा बेसिक चाहिए ये बहुत एसिडिक पीएच है स्टमक में तो जो लिपिड है वो थोड़ा सा डाइग्लिसराइड बनता है तो लिपिड होता क्या है ग्लिसरोल अगर तुमको थोड़ा सा भी बायोमोलिक्यूल आता है उसके साथ लगे होते हैं तीन फैटी एसिड ऐसे लगे होते हैं ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल है ऐसी चेन होती है पूरी पूरी अब क्या होता है फैट का मॉलिक्यूल होता है ये। तो क्या होते है? वो ब्रेक हो जाते हैं तो है। देखो थोड़ा सा मतलब कुछ लिपिड के जो ऐसे कन्वर्ट हो पाएंगे ज्यादातर मॉलिक्यूल कन्वर्ट नहीं होंगे तो लिपिड की ब्रेकडाउन के लिए कौन सा एंजाइम था लाइपेज इसने सीक्रेट किया था हाँ कि वही एंजाइम सेकेट करते हैं राइट अब मैं पीछे जाती हूँ तो मुझे इतना पता है कि माउथ में लिपिड की डाइजेशन हुई थी नो मैम नो मैम तो मैं लिख दूं लिपिड तो नहीं हुआ स्टमक में हुआ हुआ इस, लेकिन माइनर माइनर लिख लेना माइनर मेजर स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा डन ये ये दोबारा क्यों आया अच्छा टाइम बता रही थी, थी मैं तो बेटा जो बॉल्स था पहले जो खाने का टुकड़ा था इसके तो तहसनेस हो गए लेकिन ये फिर से इकट्ठा होगा ऐसा नहीं है इकट्ठा तो ये फिर से होगा क्योंकि तो अगले पार्ट में जाना है इसको तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल इकट्ठे होकर ऐसे आगे लेकिन अब ये जो मॉलिक्यूल है पहले जब बॉलेस था बॉलेस के अंदर सिक्रीशन थी सिर्फ बकल कैविटी की लेकिन अब ये जो गोला है खाने का इसके अंदर सिक्रीशन है स्टमक की भी राइट तो स्टमक की चीजें भी इसके अंदर एड होगी तो अब मुझे इसका नाम बदलना पड़ेगा तो अब ये जो खाने का गोला है जो आगे जाएगा स्पिंचर को क्रॉस करके इसका नाम होगा हम्म चल कायम ले ठीक है समझ आ गया कायम और बॉलेस का फर्क ये पूछा जा चुका है इसलिए मैं बता दूसरे तो मेरा मन भी कर रहा है बताने का तो मैं बता दिया अरे ठंडी हो गई जहर 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 बन गया पीना है चलो आगे चलते हैं <laughs> हाथ रखने की जगह इसमें देखो लेबलिंग आती है इसकी तुम्हारे टेस्ट में भी एक दांतों की लेबलिंग आई थी ना इस बार

द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस इस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है फिर बोलोगे कि बताया नहीं था फूड का डाइजेशन है ना फूड की टांगे तोड़ रहे हैं हम तो वो मैकेनिकली भी तोड़ते हैं हम और केमिकली भी तोड़ते हैं समझ रहे हो तुम इसको पकड़ के डंडे से भी पीट रहे हैं और उसके ऊपर एसिड डाल के भी इसको तोड़ रहे हैं ठीक है तो जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं इंजाइम वाले एच सल से ट्रीट कर रहे हो वो केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड है मैकेनिकल है जब तुम उसको दांतों से कुचल रहे हो ठीक है अब जो स्टमक के अंदर ये सारे केमिकल रिलीज होते हैं ना तो समल ऐसे नहीं बैठता स्टमक भी पेरिस्टेलिस करता है वो भी ऐसे 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 मूव करता है इसलिए पेट से आवाज आती है खाना खाने के बाद भी थोड़ी बहुत आती है यार बरूर से पट्टे और खाना ना खाओ तब भी वाजिया आती है क्योंकि वो पेरिस्टेलिस स्टार्ट कर देता है स्टमक तो भी ऐसे मूव करता है तो मैकेनिकली थोड़ा थोड़ा खाना वो भी ब्रेक करता है पर मेन मैकेनिकली ब्रेक हमारे दांत करते हैं तो फूड की डाइजेशन कम्प्लीस होती है मैकेनिकल ब्रेकडाउन से और केमिकल दोनों से ठीक है ओके ओके मैम अच्छा अंजुल देख लूंगी सो द बकल कैविटी परफॉर्म टू मेजर फंक्शन देखो बेटा बकल कैविटी के दो फंक्शन बता रहे है। ध्यान से सुनना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मेस्टिकेशन ऑफ फूड मेस्टिकेशन ऑफ फूड गाय क्या करती है खाती रहती है ना ऑफ yes, <laughs> फूड करती रहती है बावली और दूसरा फैसिलिटेटिंग ऑफ स्वेलिंग स्वेलिंग का मतलब निगल जाना है ना जब मैं तुमको बहुत जलील करती हूँ तो तुम मेरी बेस्ती वाले थप्पड़ निगल जाते हो ना फिर भूल जाते हो तो स्वेलिंग मतलब उसको इंगल्फ करना मतलब खाने को जबने के बाद ऐसे निगल जाना ठीक है तो स्वेलिंग ऑफ फूड और, और मेस्टिकेशन ऑफ फूड तो बकल ग्रेविटी के दो काम है भाई मेस्टिकेशन ऑफ स्वेलिंग भी तो उसी का ही काम है Now the teeth and the tongue with the help of saliva masticate and mix up the food thoroughly. तो दांत और टंग मिलके प्यारे से थूक के साथ खाने को बढ़िया से तोड़ फोड़ के ऐसे गोलू बना देती है राइट right? शिवानी बहुत पिटेगी आया अभी चल नहीं आया तो पहले यहाँ फोकस कर ले यार आएगा अभी म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन लुब्रिकेटिंग एंड एडरिंग द मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल इन टू द बोलेस मेरी बात सुनो यहाँ से आएंगे तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फिर तुमसे होंगे नहीं फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है और गलत है सुन लो ध्यान से तो सुन लो यहीं से आते हैं देखो म्यूकस जो सलाइवा में होता है वो क्या करता है वो खाने को लुब्रिकेशन करता है मतलब उसको एक तरह से सॉफ्ट बना देता है है ना उसको थोड़ा वेट कर देता है ताकि इजिली उसको हम तोड़ भी पाएं और उसको इसोफेगस में मूव भी कर पाए अगर खाना ड्राई होगा तो कैसे मूव करेगा यार और ऑफ मेस्टिकेटेड फूड देखो जो खाना टूटा है उसको वो गीला गीला सा बना देता है और ताकि वो साथ में जुड़ पाए तो ये सब म्यूकस की वजह से हो रहा है तो अगर कोई पूछे कि जो सलाइवा के अंदर म्यूकस हो रहा है उसका क्या काम है यहाँ पे दो काम लिखे हैं उसकी कि खाने को गीला भी करता है और वो खाने को एडहेर करने में भी मदद करता है ताकि बोलस बन पाए तो बोलस म्यूकस की वजह से मेनली बनता है ये बात समझ आई ठीक है नाउ द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स बोलस फिर नीचे गया किसके पास फेरिंग्स के पास फेरिंग्स इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड

पे क्वेश्चन था और बच्चे मर मर गए थे <laughs> मर मत जाना। समझ आ गया डिफरेंस यस yes. बहुत yeah, अब पेरिस्टेसिस क्वेश्चन पता क्या आएगा पेरिस्टेसिस कैसी कॉन्ट्रेक्शन है बेटा मस्कुलर वेव्स है वेव होती है ना

गैस्ट्रो गैस्ट्रो क्योंकि ये स्टमक से रिलेटेड है इसोफेगस इसोफेगस क्योंकि ये के साथ है ईसो फिगर्स क्योंकि चुकी हूँ तो दो नाम है इसके अब लिख लेना यही लिख लो बढ़िया होता है पिक्चर में लिखने का जी तो सलाइवा राहुल इन द तो ओरल कैविटी बेटा मुंह के अंदर जो थक गया था कंटेन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट कौन से इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम पोटेशियम क्लोरिन बाई कार्बोनेट है देखो चार लिखे हैं अगर इसमें एक और ऐड करके तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया तो फिर मृत्यु हो सकती है तो लिख लेना ना यार यहाँ तुम्हें पीछे लिखवाए थे इलेक्ट्रोलाइट लिख लेना और इसमें एंजाइम भी होते हैं कौन से एंजाइम होते हैं सेलिवरीज ला, एंड लाइजोजाइम दो ये एंजाइम लिखवाए थे लाइजोजाइम बैक्टीरिया वगैरह को मारेगा और सेलिवरी माइलेज किसको डाइजेस्ट करेगा यस सो द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन केमिकल प्रोसेस ठीक है केमिकल प्रोसेस से के चीजों को तोड़ता है तो केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द कैविटी ये है नीट की लाइन कि ऑरल कैविटी में स्टार्ट हो गया है देख के लगता नहीं है ना इस बारे में से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है तो ये स्टार्ट हुआ है अपना कहां पर ऑरल कैविटी में मुंह में स्टार्ट हो गया बाय द हाइड्रोलेटिक एसन हाइड्रोलिटिक तोड़ डाला है पानी की मदद से कार्बोहाइड्रेट को ठीक है तो तो लो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर सेलिवरी अमाइलेज अबाउट थर्टी परसेंट ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज हेयर बाय दिस एंजाइम ऑप्टिमम पीएच सिक्स एट ये इंपॉर्टेंट कौन सी जगह का पीएच की बात हो रही है यहाँ पे ओरल कैविटी की है ना तो साहिल का मुंह बनाओ सड़ा सा मुंह बनाओ इसका ऐसे रास्ता रहता ना कुछ से बोलो साहिल का मुंह बनाओ यहाँ लिख लो इसके मुंह का पीएच कितना है इंटू डाय सेक्राइट मेल्टोज मेल्टोज डाय सेक्ट अभी बायो मोलिक्यूल में तुम्हें ज्यादा अच्छे से याद होगा याद लिखने लिख लिख लो या नीचे क्या दिक्कत है ये केमिकल रिएक्शन याद रखना नीट में आ सकता है ये टॉपिक मैं तुम्हें करा चुकी हूँ लाइजोजैम प्रेजेंट इन द सलाइवा एक्ट एज ए एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरस तो नहीं बोला ना बैक्टीरिया बोला ना तो सिंपल रखना चीजों को बैक्टीरिया ही पढ़ोगे तुम एच सी एल भी एंटी बैक्टीरियल ही होता है ठीक है वायरल वगैरह नहीं करते हम लोग राइट इतनी ताकत नहीं होती उसमें तो लाइजोजैम इज ए एंटी बैक्टीरियल ओके नाउ द तो म्यूकस ऑफ द जा रहे स्टमक की तरफ चले चल चलते चल साइकिल निकाल ठीक है तो साइकिल पे आ मैं पैदल आती द ऑफ स्टमक देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड थे गैस्ट्रिक के बाद तीन तरीके के सेल थे जिनको हमने पढ़ा ठीक है द म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक तो क्या कह रहा है ये ध्यान से सुनना ये जो स्टमक के अंदर ना बहुत सारी लाइनिंग होती है म्यूकोसा सब म्यूकोसा मस्कुलरिज ये सारी लाइनिंग है जो मैंने भी कराई नहीं है तो मैं इतना याद रख लेना कि जो म्यूकोसा वाली लाइन है ना वो अंदर की तरफ है उसी के है। उसी के अंदर पिट्स बने थे और इसी के अंदर ये सारे ग्लैंड पड़े थे ठीक है तो जो म्यूकोसा है स्टमक की उसके पास पड़े हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड क्वेश्चन आएगा इस लाइन से माइक बंद कर ले नहीं तो तू पढ़ा ले हम्म श्रेया माइक बंद कर चल

एंड पेराइटल सेल और एक्सेंटिक सेल वे सीक्रेट एच एंड इंट्रेंसिक फैक्टर कौन सा है कासेल इंट्रेंसिक फैक्टर लिखा दिया यहाँ पे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व विटामिन बी ट्वेल्व का दूसरा नाम था कासेल क्या बे बोल के नहीं रहे कासेल एक्सट्रेंसिक फैक्टर ओके नाउ खत्म होने वाला है ये स्टमक द स्टमक स्टोर फूड फॉर अबाउट फोर टू फाइव आर्स बैठे अब कॉन्सेप्शन लाइन में एक ही क्वेश्चन आ जाएगा तो चार से पाँच घंटे खाना रहता है स्टमक में तुम तो जितना ज्यादा गंदा खाना खाओगे वो ज्यादा देर तक स्टमक में रहता है इसलिए हम कहते हैं हेल्दी खाना खाओ घर का खाना खाओगे तो बढ़िया से डाइजेस्ट हो जाएगा चार पाँच घंटे में उसके बाद पेट आवाज देना स्टार्ट कर देगा खाना डालो हाँ, को बाल माइन भी कहते हैं तो फूड विद द एसिडिक गैस्ट्रिक ऑफ द स्टमक बाय द मूवमेंट ऑफ मस्कुलर वॉल एंड दिस इज कॉल्ड चाइम देखो ध्यान से सुनना ये लाइन में दो बातें बोलते हैं ये बहुत शैतान है देखो कन्फ्यूज करते है फूड मिक्स हो जाता है स्टमक के अंदर थॉरली जितने भी एसिडिक सिक्रीशन थी बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल्व तो जो ये स्टमक है ना उसकी जो मस्कुलर वॉल है जो अंदर की वॉल है उसमें चर्निंग मूवमेंट हो रही है होती है पेरिस्टेल्सिस है, तो हो हो तो खाना बन गया है ना सा उसको हम चाइम बोलते हैं ठीक है थीके? तो चर्निंग मूवमेंट को चाइम मत समझ लेना ये बात समझ आई फर्क समझ आया yeah. तो चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल को यहाँ लिख लो पेरिस्टेल्सिस भाई गलत मत समझ लेना इंग्लिश खतरनाक लिखी है भैया इन्होंने नेक्स्ट द प्रो एन्जाइम पैप्सनोजिन और एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो छोटी सी जो लाइन लिखी थी वही लिखी है यहाँ पे कि पैप्सिनोजिन को एसिड दिखा दो वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव एंजाइम में पेप्सिन वो तुमसे ये पूछ लेंगे एक्टिव कौन सा इनएक्टिव कौन सा है तो प्रोटोलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक तो स्टमक का प्रोटीन तोड़ने वाला एंजाइम कौन है पेप्सिन पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ देता है प्रोटीएस में भी और पेप्टोन्स में भी या पेप्टाइड्स में तो ये तीनों वर्ड छोटे छोटे प्रोटीन की चेन होती है और कुछ नहीं for more information please log into biomolecules chapter <laughs> now the mucus and bicarbonate present in the gastric juice gastric juice mein jo mucus hai aur bicarbonate ions bhi jo pade hain play an important role in lubrication and protection of mucosal epithelium from excoriation by the highly concentrated hydrochloric acid एसिड से स्टमक अंदर से जल सकती है उसको जलने से बचाने के लिए mucus की lining लगती है और bicarbonate आयन भी उसमें role play करते हैं ये बात यहाँ लिखी है समझ आ Yes. Yes. खतरनाक yes. लाइन में लिखी है एक्सकोरिएशन, ठीक <laughs> है? Okay. है? है नहीं तो पेप्सिन ही नहीं बनेगा पेप्सिनोजन फॉर्म में रहेगा लो प्रोटीन डाइजेस्ट अब रेनिन एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूसेज ऑफ इन्फेंट्स बच्चों के पास मिलता है विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन मिल्क का प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है क्या नाम है उसका

माउथ सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ माउथ के अंदर वाली लेयर पे कुछ ड्रग्स जब खाते हैं गांजे की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ दवाइयों की बात कर रही हूँ समझ आई तो जो ड्रग खाते हैं तो वो थोड़ा सा लाइनिंग पे लगता है लोअर साइड ऑफ द टंग टंग के नीचे भी जब लगता है ये एब्जॉर्ब हो जाता है इनटू ब्लड कैपिलरी लाइनिंग डैम तो मुंह में भी जो ब्लड कैपिलरी अंदर और टंग के नीचे जो ब्लड कैपिलरी है वो थोड़े से ड्रग्स को यहीं से एब्जॉब कर लेती है पैरासीटामोल खा मुंह से एब्सॉर्शन स्टार्ट हो जाएगी ठीक है तो ये एब्जॉर्ब्शन का पार्ट बता रहे हैं माउथ में हाँ हाँ सहेल बिल्कुल मिलियो तू मुझे क्लास के बाद आना तुम हवेली पे स्टमक एब्जॉर्ब्शन ऑफ स्टमक में क्या एब्जॉर्ब होता है पानी एब्जॉर्ब होता है भाई सिंपल शुगर एब्जॉर्ब होती है ठीक है और एल्कोहल थोड़ा सा एल्कोहल भी एब्जॉर्ब होता है वैसे तो लीवर खराब होता है एल्कोहल से लेकिन थोड़ा स्टमक में भी एब्जॉर्ब होता है राइट तो ये एबजॉर्ब होता है स्टमक से तो स्टमक और माउथ में बहुत कम एब्जॉर्प्शन है मेन एब्जॉर्प्शन यही है प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट ठीक है अभी स्मॉल इंटेस्टाइन बाद में पढ़ेंगे चले आगे उथ स्टमक अच्छा डाउनलोड किया था मैंने कभी कभार में भूल जाती हूँ चल गई तुम्हें नहीं बता रही मैं चलो अब चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो कैसा होता है स्मॉल तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ठीक है तो जो हमारा स्टमक है ये हमारा प्यारना पीछे मैंने पेट छोड़ा है इसलिए क्या बनाते हैं ये जो हमारा स्टमक है ये आगे जाके अब खुलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा स्पिंचर रेगुलेट करेगा इसकी ओपनिंग पाइलोरिक स्पिंचर पाइलोरिक स्पिंचर हनीश इज लाइक मैम हम तो ड्रग तंग पर रखते हैं और वो पानी पीते ही एसोफेगस में चला जाता है हां तूने देख ली थी एब्जॉर्प्शन उसकी हुई है या नहीं ऐसी बातें करती है ये हो जाती है बेटा थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन हो जाती है पानी भी तो एब्जॉर्ब होता है ना ऐसे तो कई पानी पिया था नीचे चला गया तेरे थोड़ा मुंह से हो गया माफ कर तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो तीन पार्ट में होता 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 है 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 पहला हम कहते हैं जो, दियोडिनम। दियोडिनम दियोडिनम होता दियोडिनम। जो थोड़े शेप का ठीक है, है ये रहा यू वाला यू बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड एक्चुअली यही हो जाता है ठीक है उसके बाद आता है तो यू दिख रहा है तो यू दिख रहा है मैंने भी यू भी पढ़ा है तो सी ले ले लिखा है क्या एनसीईआरटी में सी लिखा है मैं रुक जाऊंगी फिर यस मैम सी शेप होता है हाउ डेयर यू से यू सी शेप होता है हाउ डेयर यू यार यू भी होता है साइड से देखना <laughs> अब ये जो डियोडिनम के पास जो बहुत ज्यादा कॉम्पुलेटेड सा एरिया था तो उसको क्या बुलाते हैं हम यार क्या बात कर रहे हो यार नेमिंग तो पता होगी तुम्हें

और इसके अंदर जो सिक्री स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड का डाइजेशन होता है वो कौन करता है देखो एक तो सिक्रीशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने सिक्रीट किया फूड के डाइजेशन के लिए उसको हम कहते हैं सकस इंटेरिकस ठीक है सकस इंटेरिकस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की सिक्रीशन लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में ना मेजर खाने की डाइजेशन भी होनी है और एब्जॉर््शन भी होनी है तो खाने को बहुत बढ़िया तरीके से तोड़ना है क्योंकि मुझे ये बताओ कार्बोहाइड्रेट अभी तक कहाँ तोड़ा था माउथ में ठीक है प्रोटीन कहाँ तोड़ा कार्बोहाइड्रेट मुंह में तोड़ा तुमने तो क्या उसके सिंगल यूनिट बने या अभी भी वो ग्लूकोज की यूनिट से कंबाइन है एक से ज्यादा कंबाइन अभी भी हाँ अभी भी पूरा नहीं टूटा जब तूने प्रोटीन तोड़ा तो क्या अमीनो एसिड की सिंगल यूनिट बन गई और लिपिड अच्छे से टूट गया और न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन कहीं पे भी बात करी अभी तक

ये हो जाए बहुत ही लंबा है भैया चलो भाई ये ब्लू कलर का क्या, क्या दिख रहा है स्टमक स्टमक क्या लगता है इसने बहुत सारा बर्गर खाया मुझे लगता है कितना मोह तूचा हो गया yes अब स्टमक है ना स्टमक जाके खुली यूजीनम के पास ठीक है अब चलो यार ये लीवर पे आते हैं ठीक है तो लीवर के तुम्हें दो लोग दिख रहे हैं यस अब लीवर के दो लोग यार तुम्हें मेरा पॉइंटर दिख रहा है बढ़िया अब जहां पॉइंटर रखूंगी उधर ध्यान रखने का ठीक है लेट्स स्टार्ट ओके तो ये ऐसे एक डक करती दिखाई दे रही है yes, ये वाली डक आती दिखाई दे रही है यस yes, मैम तो एक बात बताइए अगर मैंने दिल बनाया है सामने तो लेफ्ट साइड कौन सी है ये लेफ्ट है या ये लेफ्ट है ए लेफ्ट है या बी लेफ्ट है बी बेटा जब भी सामने बुक में डायग्राम देखेगी ना तो हमेशा उल्टा ही होगा जिंदगी उल्टी हो जाती है ना बुक पढ़ के है ना तो ये बुक है ना सामने तो यहाँ पे तेरा राइट हैंड साइड उसका लेफ्ट है है ठीक तो ये दिल है ना तो ये वाला लेफ्ट है राइट तो ये जो लोब आ रही है यहाँ पर अरे 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 कहाँ है इरेजर अरे भगवान ये देखो ये वाली जो ए वाली है ये है लेफ्ट वाली लोब ये है राइट वाली लोब बढ़िया बात यह कि तुमको नाम नहीं याद करने हटा दो बताने का फर्ज था मेरा तो ये दोनों लोब्स आती है और नीचे आके ये लोब मिल जाती है ठीक है तो ये लोब्स जो लीवर से निकल रही है नीचे आके मिल रही है इनको हम क्या बुलाते हैं इनको हम बोलते हैं हिपैटिक डक्ट।, डक्ट है ये पाइप है ठीक है तो ये हिपैटिक डेवर से आ रही है क्योंकि ये लीवर से आ रही है इसलिए वर्ड आता है माइक बंद कर दे नहीं तो मैं तुझसे पढ़वाऊंगी तो हिपैटिक वर्ड इज रिलेटेड टू लीवर गैस्ट्रिक वर्ड इज रिलेटेड टू स्टमक ठीक है तो हिपैटिक डक्ट इज अ डक्ट जो डर के दोनों लोभ से आती है क्लियर

गॉल ब्लैडर है ना ब्लैड इसको तो लेबल करना पड़ेगा गॉल ब्लैडर मेरे को देखो अगर लीवर तो अपना काम कर लेगा उसने ईमानदारी से सारे वो बना लिए केमिकल सिक्रेशन कर लिया ठीक है लेकिन अब मेरे पेट में खाना है नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में वो भेज के क्या करेगा जब खाना ही नहीं है वहाँ पे तोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं तो लीवर बड़ा स्मार्ट होता है कहता मैं बना के इसको रख लेता हूँ क्योंकि लीवर को बहुत काम है लीवर बहुत बिजी ऑर्गन है मैं तुम्हें ये कराऊंगी बहुत अच्छे से ठीक है तो लीवर क्या करता है अपनी सिक्रीशन को जो डाइजेशन से रिलेटेड है उसको स्टोर कर देता है गॉल ब्लैडर में सो तो गॉल ब्लैडर क्या करता है स्टोरेज का काम करता है ठीक है स्टोर हाउस है ये तो गॉल ब्लैडर ने बनाया नहीं है लेकिन उसने स्टोर किया है लीवर के सिक्रीशन को ठीक है इतनी बात क्लियर yes. अब गॉल ब्लैडर से तुमको ये व्हाइट कलर की डक्ट आती दिखाई दे रही है पूछू पूछू, पूछू. जो नाम। इसका नाम क्या दे हम सिस्टिक डक्ट बेटा ये वाली को लिख दो टू सिस्टिक डक्ट ये लिखा है नाम अब सिस्टिक और ये जो हिपेटिक डक्ट है एक पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों एक साथ खुल रही है यहाँ पर yes, और जो लीवर सिक्रिएट करता है वो क्या सिक्रियट करता है बाइल बाइल जूस और वो स्टोर करता है कॉल कॉल uh, uh, भी वही सिक्रियट करेगा तो ये वाली जो डक्ट है इसको हम बुलाते हैं कॉमन बाइल डक्ट थ्री लिख दूस समझ लो ना वन टू थ्री कहा लिख रही हूँ बाबुल मत तो होता ना चलो भाई कॉमन बाइल डग से बाइल आ गया मजे से झूलता हुआ हे, 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 वो कहता है मैं तो जाऊंगा इंटेस्टाइन में पेनक्रियास कहता है रुक मेरे को दे भाई तू पहले तेरे साथ मिल बांट के एक साथ चलेंगे क्योंकि लीवर और पैनक्रियाज ने कहा साथ में देंगे ऐसे ही बनाया भगवान ने उनकी दिक्कत अपनी नहीं है ठीक है अब आओ जरा इसके पास डक्स के नाम ही कर रही हूं मैं यहाँ पे ठीक है अभी आ गया हमारे पास पेनक्रियाज अब पेनक्रियाज के अंदर देखो क्या हमारी पेनक्रियाज के अंदर ये तुमको दिख रही है इतनी बड़ी सी डक्ट Yes, yes, ये करती है पेनक्रियास के जो सेल्स होते हैं ना यहाँ सेल लगे होते हैं वो इसके अंदर सिक्रीशन करते हैं जो सिक्रीशन पेनक्रियास की डक्ट के अंदर थ्रू देयर डक्ट कर रहे हैं ये वाले जो सेल्स होंगे ये एक्सोक्राइन होंगे नेचर में या एंडोक्राइन सेल्स ये सेल्स अपनी सिक्रीशन डक्ट के थ्रू कर रहे हैं एक्सोक्राइन या है एंडोक्राइन एक्सोक्राइन एक्सोक्राइन कॉन्फिडेंटली बोलो यार तो ये वाली डक को हम बोलते हैं ये वाली डक जो मेन बीच वाली डक है जो सारी एक्स को पेनक्रियास लेती है, और फिर तरफ जाती है तो ये जो है, इसका नाम है बहादुर है ये सारी पेनक्रियास की एक्जोक को लेकर चल पड़ती है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डक ऑफ वीर संघ बहुत वीर है ये सारी सिक्रीशन को कल लेके जा रही है ठीक है याद रहेगा नहीं याद रहेगा तब भी याद कर पेपर में तो आएगा अब देखो यहां देखना पॉइंटर गया मेरा किसकी क्लास है मेरी क्लास के पर केमिस्ट्री 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 ये फिजिक्स एम केमिस्ट्री की है क्लास तो पता नहीं है ये नमूने अब देख यहाँ से बाइल गिरा ध्यान से देखना दिख रहा है यहाँ से बाइल गिरा यहाँ से पैनكريटिक सिक्रीशन आई ये वाली जगह दिख रही है तो यहां पे बाइल और पैनक्रियाज दोनों होगा या क्या हुआ इसी जगह पे दोनों नहीं होगा दोनों दोनों होगा बेटा no यहाँ से बाइल गिरा इधर को जाएगा जैसे से सिक्रीशन गिरी इधर को जाएगा क्योंकि सिक्रीशन बाइल को भी अपने साथ लेके जाएगी ना है ना तो यहाँ पे दोनों सिक्रीशन तुझे ठीक है तो, तो ये वाला जो रीजन है सिर्फ ये वाला रीजन ध्यान से देखियो पागल बच्ची ये वाला जो रीजन है ना इसको हम नए नाम से बुलाते हैं क्योंकि ये ये वाली डक्ट बहुत स्पेशल हो गई है फोर्थ वाली जो डक्ट है वो सिर्फ पेनक्रियाटिक जूस ले रही है पिंक वाली जो डक्ट है वो सिर्फ बाइल लेकर आ रही है लेकिन ये वाली जो डक्ट है ना ये नहीं भी तो यार इसके पे दोनों के लिए कॉमन है ना नहीं यहाँ पर मिलते हैं ये उसके बाद बाहर को जाते हैं

हिपैटो पेनक्रेटिक ड्रग इस वाले पार्ट पे पहुंची आ गया मेरा पॉइंटर मेरा अब यहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग होती है बेटा जहाँ पर भी थोड़ी स्पेलिंग सी होती है ना अभी रुक जा साहिल जहाँ पर भी थोड़ी सी स्पेलिंग स्वेलिंग हो जाती है ना वो वाली स्वेलिंग का जो रीजन होता है उसको हम बुलाते हैं एम्पुला क्या बुलाते हैं एम्पुला एम्पुला को याद रख लेना स्वेलिंग से ठीक है तो अब ये जो दोनों सिक्रीशन है ये एम्पुला के पास जाके खुलते हैं और इसको हम बोलते हैं है, so yes, अब देखो उसके बाद क्या होगा अब इसको बाहर खुलने के लिए भी यहाँ पर एक स्पिंक्टर लगता है उस का क्या नाम है तो ओडी याद है मुझे नोडी आता नोडी देखा किसी ने तुम्हारे डेम में भी आता है ऐसे देखना फोन अच्छा तो यहाँ लगा लेना स्पिन ऑफ ओडी ठीक है इतनी डक क्लियर हुई यस मैम धीरे धीरे करके सब हो जाएगा परेशान मत हो जो तुम तो इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो शांति रखो आएगा ठीक है अब जो स्पिंटर ऑफ ओडी होता है ना उसी के पास देखो ये जो एम्पुला है ना यहाँ पर स्पिंटर ऑफ ओडी हमारा पड़ा है बढ़िया से ठीक है उसी के पास एम्पुला की जो ओपनिंग होती है जो ड्योडीनम से टच होती है उस वाली उस पर्टिकुलर साइड को हम बुलाते हैं एम्पुला ऑफ वेटर तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है ना इस पूरे को तो मैंने बोल दिया एम्पुला कौन से वाला एम्पुला पीछे देखो क्या लिखा है यहाँ बताना नहीं चाहिए था पर चल अब आ गया चाहता एम्पुला है ना तो बिल्कुल ये वाला पॉइंट जो टच करता है ड्योडिनम क्योंकि ड्योडिन बिल्कुल पास में है ना तो जो बिल्कुल डोडिनम के पास पड़ा होता है उस इतने से रीजन को हम बुलाते हैं एम्पुला ऑफ वेटर बस ये वर्ड याद रख लेना और कुछ नहीं ओके टर्म कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा तुम हौसला रखो अब देखो अब मैं थोड़ा सा लीवर के बारे में बताऊँ सिक्रीशन के बारे में बता दू थोड़ा तुम्हें टर्म्स याद हो गया थोड़ा बहुत स्क्रीन शॉट ले लिया yes. चलो अब मैं तुमको थोड़ा सा लीवर के बारे में बता दूँ लीवर बहुत सारे काम करता है बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है लीवर के अंदर एक स्पेशल बात होती है सबसे पहले चीज कि लीवर कोई एंजाइम सिक्रेट करता है नो इन्जाइम सिक्रीट बेटा कोई इंजाइम सिक्रीट नहीं करता तो ये तुमसे पूछ लेंगे नीट वाले ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं अब देखो फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन डी ब्लड जो होता है वो लीवर के पास वापस जाता है और ड्रेन होता है हिपेटिक वेन में दैट गोज टू हार्ट तुम्हें पता है कि जितने ऑर्गन है थोड़ा सा कार्डिक सिस्टम याद करना अरे यार्षमे छमे का चक्कर घूम रहा है थोड़ा सा बता रही हूँ क्योंकि कल मैं बताऊंगी तो तुम मर सकते हो अरे 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 डब्बे बनाने पड़ेंगे मुझे सही बोलेगा मैडम डब्बे बना बनाने ये लेफ्ट ऑरिकल ये राइट right ऑरिकल ये लेफ्ट right वेंट्रिकल ये राइट वेंट्रिकल ऐसे होता है बता दो भूल गई मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है राइट right ऑरिकल right में राइट right ऑरिकल में किसके थ्रू आता है किसके थ्रू आता है नर्व्स को ये बोल आती है मेम्ब्रेन के थ्रू

लेफ्ट ऑरिकल से वो कहा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में ना, उसके बाद वो जाता है में? राइट जितने भी ऑर्गन्स है बहुत सारे ऑर्गन में ये डाइवर्ट होता है, सब में चला जाता है ब्रें जब में. फिर वहां से वो दोबारा से गंदा ब्लड लेता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वो बिना कावा में सप्लाई कर देता है यही पैसेज है करेक्ट अभी यही चाहिए है ना लेकिन देखो यहाँ एक्सेप्शन है

की मतलब उसके फाइन वेन्स आती है वहां पर पर चलो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है उसके अलावा लिवर रिसीव ब्लड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज एन ऑर्गन उसको तो ब्लड को सीधा सीधा हार्ट में भेजना चाहिए था ना लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन हार्ट में भेजने के पहले इंटेस्टाइन ब्लड लीवर में भेजती है ठीक है क्यों भेजती है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत सारा ग्लूकोज ब्लड में जाता है और वो हार्ट के पास जाने से पहले लीवर में जाता है और लीवर उस ग्लूकोज को यूज करके स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ठीक है तो ये एक सिस्टम होता है जो तुम्हें लीवर में दिखाई देने देता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी सिक्रीशन अपना ब्लड डायरेक्टली हार्ट के पास नहीं भेजता डिऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले लीवर के पास भेजता है फिर लीवर उसको हार्ट के पास भेजता है बात समझ में आई ये जब भी एक ऑर्गन ऑर्गन डिऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज दे टू सेकेंड ऑर्गन और फिर फाइनली वो सेकेंड ऑर्गन उसको भेजे हार्ट के पास तो ऐसे वाले सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम और क्योंकि ये लीवर से रिलेटेड है तो इसको हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ठीक है hepatic portal system. तो दिस इज एन हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इसके बारे में जब मैं तुम्हें और लीवर कराऊंगी तो समझाऊंगी टेंशन ना लो जर्नली जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है ऑर्गन से डी ब्लड जाता है किसके पास हार्ट हाँ, के पास तो ये होता नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है राइट तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम तो यहाँ पढ़ते हो और ब्रेन के अंदर भी एक पोर्टल सिस्टम पढ़ते हो ओके क्लियर इतना चलो

बनाया था जिसको हमने गोल्ड ब्लड किया था वो क्या करता है वो दो काम करता है, वो स्टोर करता है को, और क्या करता है, है बाइल के अंदर सोल्ट और एड करता है वो ओके okay? और उसमें पिगमेंट एड करता है ठीक है जो पिगमेंट काम नहीं होता लेकिन उसको कॉन्सेंट्रेट कर देता है वो ठीक है इतनी बात क्लियर दो काम करे उसने भूलना वही yes, yes, समय का चक्कर घूम रहे है बाइल करा के भेजूंगी बाइल अब बाइल में क्या क्या होता है ये तुमको पता होना चाहिए पहला उसमें है जल क्योंकि जल है तो कल है दूसरा उसके पास बाइल सॉल्ट बाइल सोल्ट बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि मेन काम जो बाइल का है वो है फैट को तोड़ना फैट को तोड़ना आसान नहीं है उसका ट्रांसपोर्ट भी बहुत मुश्किल है इसलिए कम फैट वाला खाना खाया करो समझे तो बाइल क्या करता है फैट को तोड़ता है फैट के बड़े मॉलिक्यूल यहाँ ध्यान से देखना बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है फैट के बड़े बड़े चंग्स है ठीक है फैट है बहुत सारा इसके चंक को छोटू छोटू छोड़ तोड़ दिया ठीक है छोटे छोटे चंक्स में तोड़ दिया अब इसके आसपास जाके लग जाता है बाइल सोल्ट तो ये लग गए बाइल सोल्ट बाइल सोल्ट पता है क्या करते हैं तो ये छोटे छोटे फैट्स के चंक्स हैं ना इनको एक दूसरे के साथ दोबारा से कंबाइन नहीं होने देते तो बाइल सॉल्ट इंश्योर करते समझ लो तुम्हारे पास बहुत मोटी सा चौक है तुमने चौक को हथौड़ा मार के तोड़ दिया अब चौक के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए ना वो दोबारा से मिलकर चौक ना बना दे ठीक है तो उसको इंश्योर करने के लिए बाइल सॉल्स ना छोटे छोटे पार्टिकल्स के आसपास लग जाता है इस वजह से दोबारा से फैट का मॉलिक्यूल इकट्ठा नहीं हो पाता है ठीक है तो बाइल सॉल इंश्योर करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी कि इमल्सिफिकेशन मतलब ब्रेक डाउन तो। समझ ये बात क्या हुआ यहाँ पे ठीक है हाँ। तो बाइल सॉल्ट इंश्योर करता है कि दोबारा गोला ना बने डन उसके बाद जो बाइल के अंदर मिलता है बाइल पिगमेंट्स है ये बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट है ठीक है ये क्या करते हैं जो फीसिस होता है ना फीसिस को कलर देते हैं तो फीसिस का जो भी कलर होता है वो बाइल पिगमेंट्स की वजह से होता है लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है ना तो वो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी बनता है लीवर कहता है कि जाते जाते उसको पता है कि बा, बा, एंड में तो फीसिस के फॉर्म में निकल ही जाना तो चलो कोलेस्ट्रॉल भी फेंक देता हूँ तो ये कोलेस्ट्रॉल भी वेस्ट है ये भी बाइल के अंदर होता है लीवर अपने सफाई कर रहा है और एक और प्रोटी, एक और चीज होता है, है लेसिथिन ये क्या करता है ये जो बाइल्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना इनके साथ ये इंश्योर करता है कि ये क्या करे मतलब छोटे छोटे बाइल सॉल्ट वगैरह पड़े हैं ये इकट्ठे होकर ना पत्थर बना देते हैं जिसको हम कहते हैं ना कि वो हो गया स्टोन हो गया लीवर में

Prevent थोड़े लेकिन वो पिघल जाते हैं लेसिथिन इंश्योर करता है जब लेसिथिन का अमाउंट कम हो जाएगा तब वो स्टोन रह जाते हैं ठीक है अब एक क्वेश्चन है कि पिगमेंट कहाँ से आया सडनली कलर कहाँ से आ गया तो कलर हमने आरबीसी में पड़ा है कलर होता है उसमें रेड कलर कौन देता ये। है ये तो तो जब 120 दिन हो जाते उसके अप्रोक्सीमेट 140 डेज पे तो वो लिवर की उसकी तरफ जाने लगता है कौन सा होता है एक्चुअली आरबीसी की जो वॉल होती है ना प्लाज्मा में वो फटनी स्टार्ट हो जाती है 120 दिन तक बहुत ज्यादा फट जाती है और स्प्लीन इतनी फाइन होती है स्प्लीन के पास जैसी वो पहुंचती है और फट जाती है ठीक है तो छोड़ो वो नहीं जानना हमें तो आरबीसी स्प्लीन के पास गई वहाँ पे तहस नहस होगी जब वो तहस नहस होगी तो उसके अंदर था हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन पे तहस नहस हो गया हीमोग्लोबिन दो पार्ट में टूटा एक हिम हीम है हमारा पिगमेंट और एक है हमारे पास ग्लोबिन ग्लोबिन क्या होता है प्रोटीन प्रोटीन तो आगे देख लेंगे प्रोटीन तो मैं तुम्हें आगे बताऊंगी हीम पे ध्यान दू जो पिगमेंट होता है ये स्प्लीन के थ्रू पहुंच जाता है हमारा कहाँ तैरता तैरता बाइल के पास थ्रू ब्लड सर्कुलेशन तो जब ये पहुंचता है हमारा तैरता तैरता लिवर के पास तो लीवर के पास वो कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ बिलू क्वेश्चन आता है कि ये ये क्या है ये bile pigments है बाइल पिगमेंट्स पहले तो भाई ये इसको सॉल्ट नहीं है सॉल्ट के नाम तो कभी ही नहीं ठीक है ये बाइल पिगमेंट्स है जो क्या करते हैं कुछ नहीं करते ये वेस्ट होता है फिर भी बॉडी में कुछ करते हैं हाँ करते हैं फीसिस को कलर देते हैं ओके क्लियर मैम ले लिए। ले लिए। और कितना क्या? नहीं है तो मैंने बंद क्यों कर दिया हो सर आए तो बता देना सुनील सर है ना, ना। लास्ट स्लाइड दिखा दो पहले देख जल्दी देख, ले देख। अबे समझ में आ रहा है या नहीं यो यो मैम। यार दो ही बच्चों को समझ आ रहा है बाकी को नहीं आ रहा यो यो मैम। yes, यो